फरीदाबाद में बाटा चौक स्थित धर्मा ढाबा में सिलेंडर फटने से आग लग गई। आग की चपेट में आसपास के कई ढाबे भी आ गए हैं। बताया जा रहा है कि ढाबे में रखे सिलेंडर ब्लास्ट होने से भयानक आग लग गई। आग लगने के कारण ढाबे में रखा सामान जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। आग इतनी भयानक थी कि आसपास के कई ढाबे भी इसकी चपेट में आ गए। सूचना मिलने के कुछ ही समय बाद दमकल विभाग मौके पर पहुंची। आग इसलिए के सर क्योंकि वो मैं अंदर से आया था, खाना खा के उठा, खाना खाने उठने के बाद में पावर कम आ रही थी गैस की, तो मैंने सिलेंडर लगाया है। सिलेंडर लगाने के बाद मैं गया हूँ लेटरिंग करने, लेटरिंग करके निकला हूँ तो हमारे उस्ताद ने बोला अंदर से आकर के राजकुमार ने कि आग लग गई। फिर मैंने सिलेंडर को बुझाया है, सिलेंडर को बुझाने के बाद में आग बढ़ती चलेगी। कई बार प्रेशर मारा छोटे वाले नहीं बुझी आग, आग पकड़ गई, ज़्यादा पकड़ लिया होटल में। आग पकड़ने के बाद फिर हमारे मैनेजर साहब ने लक्ष्मण जी ने सिलेंडर मतलब लाइट काट दिया, लाइट काटने के बाद फिर पकड़ गया, फिर आग बुझी नहीं है हमसे। हाँ भट्टी में लगी है आग तो, हाँ हमारा सेफ का ऑर्डर लगा रहा था उसमें आग लगी है। हाँ जी और को है जी? अंदर हमारे तीन चार लोग थे, वो सारे निकल के आगे बाहर आ गए सारे लोग। सिलेंडर ये 19 किलो वाला है। हाँ जी दमकल विभाग की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने से किसी की जान माल को कोई नुकसान नहीं हुआ। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी।